हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमिन शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जाती है। ठीक है, तो हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग आज इसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे और उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप से एक एक स्टेप बताऊंगा जिससे कि आपको जो है ये वीडियो देखते ही आपको पूरी पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल रट जाएगी एकदम से। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एरिया थ्योरम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई थी, सिर्फ दो स्टेप में मैंने आपको वही बिल्कुल कंप्लीट करके बता दिया। सिर्फ दो स्टेप आप ध्यान रखें तो आप पूरी एरिया थ्योरम बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसी प्रकार से मैं इस पाइथागोरस थ्योरम में भी आपको सिर्फ दो स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो आप पूरी पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अच्छे से बिना देखे प्रूफ कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, हमें सवाल ये उठता है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछते हैं कि भाई स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट, एंड प्रूफ का मतलब होता है अब इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मैंने लिख दिया स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। और देखिए, अगर मैंने कहीं पर अगर एवरी ईयर लिखा है तो इसका मतलब है क्वेश्चन आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो आपका एक क्वेश्चन जो है ऐसे ही कम हो चुका है, तो आपका ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, तो भाई सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हम आपको एक बात बता दें कि जो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है ये सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल में लगती है, जिसमें राइट ट्रायंगल मतलब एंगल 90 डिग्री जिन ट्रायंगल में होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और नॉर्मल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब हाइपोटेनस जो होती है बेटा, राइट ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसका जो स्क्वायर है वो बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के। ठीक है, तो भाई जैसे कि किसी भी राइट ट्रायंगल में आप खुद ही देखिए तीन साइड्स होती हैं, तो लॉन्गेस्ट साइड तो होती है हाइपोटेनस जो कि 90 डिग्री के जस्ट सामने होती है। तो ये जो हाइपोटेनस इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तभी मैंने लिखा होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी हिसाब से इसकी स्टेटमेंट बनी है इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। देख लीजिए, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, उसके और जो अदर टू साइड्स होती है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तभी हम लोग लिखते हैं स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं बेटा एबीसी, ठीक है, जिसमें कि हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जिससे कि हम लोग को ट्रायंगल का पार्टीशन हो जाए और हम लोग उसमें सिमिलरिटी की कंडीशन लगा सकते हैं। ये वैसे आपने देखा होगा, थोड़ी मैंने अलग से कराई, बाकी बुक्स में एक ही डायग्राम बना हुआ है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एबीसी को जब अलग से बना के दिखाया कि इसमें जैसे आप हाइपोटेनस भी पहचान सके, परपेंडिकुलर भी पहचान सके और बेस भी आप पहचान सके। ठीक है, 90 लगी हाइपोटेनस होती है, उसके इधर वाली परपेंडिकुलर और ये वाली जो बेस होती है। ठीक है, तो भाई इनके और अब इस वाले में मैंने क्या करा, इसमें कंबाइंड डायग्राम बनाया एबीसी। मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, पीडी जो है वो एसी को परपेंडिकुलर है बाय कंस्ट्रक्शन से। ये मैंने इसलिए करी है क्योंकि हम लोगों को जो है ट्रायंगल का पार्टीशन हो जाए और हम लोग क्या कर सकते हैं सिमिलरिटी कंडीशन से लगाकर इनके जो साइड्स के जो रेशियो है उनको, मतलब जो हमें प्रूफ करना है वो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन का सबसे पहले गिवन लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल भी 90 डिग्री दे रखा है। आपको मैंने अभी बता दिया कि इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम में जो है आपको जो राइट ट्रायंगल जो है 90 डिग्री दिया होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंगल पे ही लगती है। ठीक, तो भाई ट्रायंगल एबीसी में एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। प्रूफ हमें करना है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये हम लोग को क्या करना है बेटा, टू प्रूफ करना है। और कंस्ट्रक्शन में जो आप देख लीजिए कि जो हमारा जो बीडी है वो एसी पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने लिखा हुआ है कि बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। अब इसके दो स्टेप्स हैं, हमें जो है पहले क्या करना है, पहले ए बी सी ये ट्रायंगल लेना है और दूसरे में ट्रायंगल लेना है ए बी डी, इसको हम ए कोरोलरी से प्रूफ करेंगे। एंड सेकेंड ए बी सी और बी डी सी को ए कोरोलरी से प्रूफ करने के बाद जो हम लोग जैसे सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि ए बी सी और एबीसी को और एबीडी को जब हम लोग प्रूफ कर लेंगे तो इनके साइड का रेशियो बराबर करके लिख देंगे। ठीक है, रेशियो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इक्वेशन बना लेंगे। सिमिलरली ए बी सी और बीडीसी को ए कोरोलरी से प्रूफ करेंगे सिमिलर। ठीक है, उसके बाद इनके साइड के रेशियो को बराबर कर लेंगे और जो इनके साइड का जो रेशियो है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। पहले दूसरी इक्वेशन को जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि एबीसी और एबीडी में आप खुद देख लीजिए कि जो है एंगल ए और एंगल ए बेटा ये वाला जो एंगल है वो क्या है,
कॉमन है, आपको खुद देख लीजिए एबीसी में भी यही आ रहा है और एबीडी में भी, ये तो एंगल ए एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और आप देख लीजिए बी और डी क्या है बेटा, 90 डिग्री पे, एंगल बी भी यहां पर हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल डी भी हमारा क्या है 90 डिग्री। आसान सी थ्योरम है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, बहुत ही आसान थ्योरम है, बेसिक थ्योरम है बिल्कुल, ठीक है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन है और बी एंगल बी बराबर एंगल डी इच 90 डिग्री है, तो हमारा जो इसलिए ट्रायंगल एबीसी जो है सिमिलर हो जाएगा एबीडी के बाई ए कोरोलरी से। और मुझे पता है कि अगर हम लोग को ट्रायंगल बेटा सिमिलर हो जाते हैं, मैं आपको शुरुआत से पढ़ा रहा हूं, तो सिमिलरिटी कंडीशन लगा के हम लोग इनके रेशियो जो अदर साइड से करस्पॉन्डिंग रेशियोज होते हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। कौन से होंगे कि ए बी अपॉन ए डी हो जाएगा, बीसी अपॉन डी बी हो जाएगा और एसी अपॉन ए बी हो जाएगा। ये देखिए आपके जो है मैंने तीनों लिख के दिए बाय सीबीएसटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बहुत ही आसान सा है। इसके बाद आप फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो को आप मतलब इक्वेट कर दीजिए, ए बी अपॉन ए डी बराबर एसी अपॉन ए बी, तो आप बहुत बार ही लिख चुके हैं और मैंने आपको तरीका भी बताया है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, मैंने लिख भी दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बहुत बच्चों की तरह सिखा रहे हैं आपको बिल्कुल, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर एडी इंटू एसी पहली इक्वेशन हो जाएगी, तो इसको आप डब्बे में ऐसे करके चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई है सिमिलरली। अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल तो ले भी लेंगे और साथ ही साथ जो हमारा ये दूसरा वाला ट्रायंगल बचा है बीडीसी, आप चाहें तो अपने से फर्स्ट सेकंड भी लिख सकते हैं। तो फिर बीडीसी इसमें भी आप ये देख लीजिए कि एंगल सी और एंगल सी, ये आप बाई थ्योरम शायद 6.6 से आप ये लिख भी सकते हैं, लेकिन आप ये पूरा प्रूफ करें तो ज्यादा बढ़िया मेरा मानना है, ठीक। तो एबीसी और ट्रायंगल बीडीसी में एंगल सी कॉमन हो जाएगा और सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे बेटा, ईच 90 डिग्री होंगे, जो कि आपको डायग्राम में ही दिख रहा है, बहुत आसान सा है, जो कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है ट्राइंगल एबीसी और बीडीसी आपके ए कोरोलरी से प्रूफ हो जाएंगे। साइड के रेशियो को आप लिखना बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि एबी अपॉन एडी बराबर बीसी अपॉन डीसी बराबर एसी ओवर बीसी, ठीक। इसके बाद जो सेम वाले रेशियो ने ले लीजिए बीसी अपॉन डीसी बराबर एसी अपॉन बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो एसी इंटू डीसी बराबर क्या हो जाएगा बीसी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए और जब भी हम लोगों को इक्वेशन जब हमारी जुड़ती है तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ती है, राइट हैंड साइड में जुड़ती है। तो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एडी इंटू एसी प्लस डीसी इंटू एसी, ये देखिए ऐसी रहेगा क्योंकि ये नहीं पार ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है। तो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यहां पर आप देख लीजिए एसी और एसी आपके बेटा यहाँ पे कॉमन है तो एडी प्लस डीसी। अब आप यहाँ डायग्राम में देखिए जो हमारा एडी है और डीसी है, आप डायग्राम में आपको खुद नजर आ रहा है एडी प्लस डीसी, ये आपका एसी के बराबर हो जाएगा फ्रॉम फिगर से, आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, ठीक है। तो भाई एडी प्लस डीसी बराबर क्या हो जाएगा बेटा एसी, तो एसी इंटू एसी बराबर क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर। तो यहां पर से आप ऐसे करके कह सकते हैं कि एसी हमारी हाइपोटेनस थी, ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बेटा पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें ज्यादा कुछ बताने का ज्यादा है नहीं, दो स्टेप मैंने आपको पूरी थ्योरम रटवा दी है बिल्कुल, ऐसा समझिए। आपको क्या करना है गिवन तो आप सब लिख ही लेंगे, सबसे पहले जो है ए बी सी और ए बी डी को आप जो है ए कोरोलरी से प्रूफ कर लीजिएगा, साइड के रेशियो लिख दीजिएगा, साथ ही साथ ए बी सी और बी डी सी को आप प्रूफ कर दीजिएगा ए कोरोलरी से लिख दीजिएगा, ठीक है। उनका साइड के रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इक्वेशन पहले ट्राइंगल से और उसके बाद दूसरे इक्वेशन दूसरे ट्राइंगल से लेकर पहले दूसरे इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर बहुत ही आराम से आ जाएगा बिना किसी रुकावट के, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में अब इतना ही रखते हैं, अब अगली वीडियो में आपको इसका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, टेक केयर, नमस्ते।